गैरसैंण को लेकर के किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है। तीरथ सरकार की ओर से गैरसैंण कमिश्नरी का फैसला खारिज के बाद पूर्व सीएम त्रिवेंद्र ने इसे गढ़वाल कुमाऊं के संगम को खत्म करना बताया। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अब उनके कार्यकाल में लिए गए फैसलों को लेकर तीरथ सरकार की ओर से की जा रही तब्दीली पर सार्वजनिक रूप से नाराजगी जाहिर करनी शुरू कर दी है। आप भी देखिए। देखिए, जो कमिश्नरी का आश्वासन मैंने विधानसभा में दिया था, इसके पीछे एक सोच थी कि गढ़वाल कुमाऊं का एक प्रयाग बने, संगम बने, और उसमें दो जनपद गढ़वाल के और दो जनपद कुमाऊं मंडल के उसमें सम्मिलित करने की मैंने घोषणा की थी। कुछ लोगों का ये भी विचार था कि पिथौरागढ़ को भी उसमें सम्मिलित करना चाहिए, तो हमने कहा उसमें पुनर्विचार किया जा सकता है। उसमें कुछ सवाल उठे कि साहब कुमाऊं की संस्कृति, गढ़वाल की संस्कृति, तो मैं समझता हूँ कि संस्कृति एक ऐसी चीज़ है, और जो अल्मोड़ा जो एक सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है उत्तराखंड का, वो तो गंगा की तरह है। जो भी संस्कृतियाँ उसमें मिलेंगी, जहाँ भी संगम होगा संस्कृतियों का, तो गंगा अपना रूप नहीं बदलती है, ऐसी ही संस्कृति है, वो अपना रूप नहीं बदलती है। लेकिन ठीक है, सरकार ने निर्णय लिया है, स्थगित करने का निर्णय लिया है, तो ठीक है, कैबिनेट ने निर्णय लिया तो उसमें उनका अपना सोच है, उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन हाँ, हमारी सोच एक भविष्य की सोच थी कि ये जो गैरसैंण एक ऐसा सांस्कृतिक केंद्र हमारा बने, ये इसके पीछे एक धारणा थी। हाँ, निश्चित रूप से मैंने बातचीत करके ही इसका निर्णय लिया था। जो वहाँ के हमारे विधायक हैं उनसे मैंने बातचीत करके, और मुझे इस तरह की आशंका थी कि इस तरह के सवाल उठेंगे, आशंका थी इस बात की। लेकिन सबका ये कहना था कि गैरसैंण को लेकर के किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और राजधानी में ऐसा जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, वहाँ पर वो बैठते हैं, तो जो हम भावी विकास करना चाहते हैं ग्रीष्मकालीन राजधानी का, जिसके लिए मैंने 25,000 करोड़ की घोषणा की थी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र विकसित किया जाएगा, तो उसकी प्लानिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर ऐसे सीनियर ऑफिसर बैठे। वहाँ पर विधानसभा सत्र हो रहा है, तो उस दौरान लाइन ऑर्डर की भी एक बड़ी चुनौती होती है, धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, जनता अपनी डिमांड को लेकर आती है, उसके लिए धरना प्रदर्शन करती है, तो ये सोच करके वहाँ पर एक कमिश्नरेट की व्यवस्था की गई थी। सोच यही थी कि धीरे धीरे जो हमारा ये पूरा जो राजधानी क्षेत्र है, ये एक सुनियोजित तरीके से विकसित हो। ग्रेनी सोलर एनर्जी लेकर आया है आपके शहर हल्द्वानी में एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर और सोलर एसी के साथ लाइट्स, जिससे आपको और आपके परिवार को मिलेगा नेचुरल मिनरल वाटर और 60 वाट की लाइट्स में 6000 वाट के बल्ब की जितनी रोशनी। तो अब आप भी पीजिए एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर के साथ प्रकृति जितना साफ पानी, और घर लेकर आइए सोलर एसी और मजे लीजिए कम पावर कूलर जैसे एसी का, जो कि आपके इलेक्ट्रिक बिल को 80% तक कम कर देगा। जो वाटर इंडेक्ट होता है 7 PS से ऊपर का वाटर बेस्ट होता है, जो हाइड्रोजन या नेगेटिव ORP के लिए, ORP को अच्छे करता है, तो उसी के लिए एल्कलाइन के बहुत सारे फायदे हैं। सोलर एसी के साथ ही लाइट्स और एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर के लिए आज ही संपर्क करें
देवगुरु एंटरप्राइजेस, तीन पानी रोड, हल्द्वानी, नैनीताल। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9760167090 पर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।